दोहे के गेट में करंट आ गया और उससे उसकी जान चली गई। सोमवार को पटेल नगर इलाके में घटना घटी। यूपी का रहने वाला ये 26 साल का छात्र निलेश राय बताया जा रहा था, दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। रंजीत नगर थाना पुलिस को कल दोपहर करीब 2:30 बजे के बाद घटना की जानकारी मिली थी कि पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छात्र की करंट से मौत हो गई है। कुछ लोग छात्र को देखकर नजदीक पहुंचे तो वहां पर सड़क पर पानी भरा हुआ था। छात्र एक लोहे के गेट में करंट की वजह से चिपक गया था। पुलिस ने मृतक छात्र की शिनाख्त निलेश राय के रूप में की है। छात्र यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला था। 26 साल का निलेश यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर चुका था और मेंस की तैयारी कर रहा था। बताया गया कि वो अपने घर में इकलौता चिराग था, दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, प्रीलिम्स क्लियर कर चुका था, मेंस की तैयारी में जुटा हुआ था। और कैसे पानी भरा होता है लोहे का गेट जिसमें करंट आता है और उससे उसकी जान चली जाती है। पटेल नगर में ये घटना घटी। यूपी का रहने वाला निलेश राय 26 साल का बताया जा रहा था महज। अब इसके बाद जो सवाल है वो उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर किस तरह की तैयारियां यहां पर प्रशासन की ओर से की जाती है, आप समझिए जरा। तीन तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। लोहे के गेट में करंट आए, यूपीएससी छात्र की मौत हो जाती है, वहीं पर चिपक जाता है। आप सोचिए कितनी दर्दनाक ये स्थिति थी। केजरीवाल सरकार पर अभी फिलहाल इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर नजर आ रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी यहां पर केजरीवाल सरकार की ओर से की जाती हैं, लेकिन सच्चाई हकीकत ये है।